हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकू चैंपियन स्पोर्ट्स ग्रुजी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉटनहम वर्सेस पीएसबी के बीच में होने वाले यूईएफए चैंपियंस लीग के फुटबॉल मैच की। तो फ्रेंड, यहां पर मेरे पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी लाइनअप है और यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट टीम बना के दूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड, प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक आराम से देखते रहिए। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर मैं आपको मैच से पहले कुछ भी अगर अपडेट होती है फ्रेंड, तो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि दूसरी वीडियो बना पाना एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड, बात करते हैं हम यहाँ पर पहले अपने टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल में आप देख ही सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपडेट करते रहता हूँ आपको जो भी अगर कुछ है, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो फ्रेंड, मैच की बात करते हैं डायरेक्ट। तो फ्रेंड, पीएसबी एंड टॉटनहम के बीच में पहले प्रिडिक्शन की बात करेंगे। फ्रेंड, प्रिडिक्शन किए गए थी फ्रेंड, यहाँ पर 19% लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो होम साइड है पीएसबी वो यहाँ पर नहीं जीत पाएगी, जीतेगी। एंड यहाँ पर 74% लोगों का कहना है कि टॉटनहम की टीम यहाँ पर अच्छी है। तो फ्रेंड, मुझे भी लगता है कि यहाँ पर टॉटनहम की टीम यहाँ पर जीतेगी फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर स्टार प्लेयर्स बहुत है टॉटनहम की टीम में, पीएसबी की टीम में कोई ज़्यादा स्टार प्लेयर नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट कुछ दो मैचों का, इन दोनों के बीच का आप देखेंगे तो फ्रेंड 6-6 से ड्रॉ हुआ था एंड 0-1 से पीएसबी की टीम जीती थी। तो फ्रेंड, अगर लास्ट 5 मैच की बात करें यहाँ पर दोनों टीमों के, जो इन्होंने लास्ट में 5 मैच खेले, तो आप यहाँ पीएसबी की टीम देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर 4 मैच जीती है एंड 1 हारी है। तो फ्रेंड, पर ये चारों मैच जो जीती है फ्रेंड, ये कमज़ोर अपोनेंट है सारे के सारे। तो आप बिल्कुल भी ये मत मान के चले कि पीएसबी की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड, यहाँ पर बात करें टॉटनहम की, तो टॉटनहम का आप देखेंगे फ्रेंड कि वेस्टहैम को हराया है, कार्डिफ सिटी को हराया है, बार्सिलोना से हार गई थी, बाकी इन्होंने भी 4 मैच जीते हैं और 1 हारे। तो टॉटनहम की टीम फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, तो आपको बिल्कुल इन पे भरोसा करके चलना चाहिए। तो फ्रेंड, लाइनअप की बात करूँगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लाइनअप बना दी। तो फ्रेंड, लाइनअप आप देख सकते हैं, ये लाइनअप है, तो फ्रेंड आप इसको देख लेना। तो यहाँ पे गोलकीपर होंगे जो यहाँ पे टॉटनहम के होंगे, लॉरिस, फिर यहाँ पर आएंगे उरियर, स्नैच, फिर आएंगे विल्डरवर्थ, फिर डेविस। तो आप इसको देख लेना फ्रेंड। यहाँ पर हैरी केन भी है एंड एच सन भी है, जो कि कोरिया के अच्छे यहाँ पर फॉरवर्ड हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीएसबी का यहाँ पर लाइनअप है, तो आप पीएसबी का लाइनअप देख लेना और इस हिसाब से ही आप अपनी टीम बनाना। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो टीम मैंने आप लोगों को लिए यहाँ पर बनाई है इस मैच में। तो फ्रेंड, पहले हम यहाँ पर स्ट्राइकर से बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्ट्राइकर लिया फ्रेंड हैरी केन, जो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर इंग्लैंड के स्ट्राइकर हैं एंड फॉरवर्ड खेलते हैं और आगे खेलते हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका गोल स्कोर रहता है पर मैच का। एंड पीएसबी की तरफ से मैंने लिया है डी जोंग को, एंड यहाँ पर मैंने लिए यहाँ पर टॉटनहम की तरफ से मैंने लिया है जो इनके बहुत ही अच्छे यहाँ पर एम सन को, जो कि यहाँ पर कोरिया के बहुत ही अच्छे यहाँ पर प्लेयर है फ्रेंड। एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनका स्कोर रहता है गोल करने का भी। तो फ्रेंड, आपके पास यहाँ पर मोराया काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेंगे, और आप यहाँ पर कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं आपके पास रखने के लिए। मिडफील्डर की बात करें तो फ्रेंड, मिडफील्डर मैंने यहाँ पर लोजानो को लिया है फ्रेंड। आप चाहो तो यहाँ पर लोजानो को ड्रॉप करके आप यहाँ पे बैजबिन को भी रख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर आपको साबित हो सकते हैं। पीएसबी की तरफ से मैंने लोजानो को लिया है, फिर यहाँ पे मैंने क्रिश्चियन एरिक्सन को लिया है टॉटनहम की तरफ से। डेले अली का फ्रेंड न्यूज ये आ रहा है कि यहाँ पर ये इस मैच में फिट हैं, बट ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इनको थाई इंजरी थी और अभी तक फिट हो पाए नहीं हो पाए, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ फ्रेंड। और यहाँ पर आप डेले अली पर रिस्क मत लीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर बात करते हैं टॉटनहम की तरफ से जो मैंने लिया है एरिक लमेला को, जो कि फ्रेंड काफ़ी अच्छा इन्होंने पिछले मैच में गोल किए थे एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका पॉइंट दिया था फ्रेंड, काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने किया था। फिर साथ में मैंने लिया है हैंड्रिक्स को पीएसबी की तरफ से। तो फ्रेंड, हैंड्रिक्स भी काफ़ी इनके यहाँ पर मिडफील्डर है, तो आप इनको आराम से अपनी टीम में रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर गोल स्कोर या यहाँ पर असिस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी फ्रेंड, कुछ ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है नहीं। अगर आप यहाँ पर डायर को रखना चाहो तो रख सकते हैं, डेम्बेले को रख सकते हो जो इस मैच में खेलने वाले हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको भी साबित हो सकता है, पर ग्रैंडिक में उनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, डिफेंडर की बात अगर की जाए तो डिफेंडर में यहाँ पर ट्रिपर नहीं खेलने वाले, तो ट्रिपर को अपनी टीम में मत रखिएगा आप। पीएसबी की तरफ से मैंने एक को रखा है वहाँ पे निक वेरेकवर्क को रखा है फ्रेंड, जो काफ़ी अच्छे प्लेयर होंगे आप प्ले इस मैच में, आप इनको रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर डिफेंडर हैं पीएसबी के। एंड टोटनहम की तरफ से मैंने यहाँ पर बेन डेविस को रखा है, साथ मैंने यहाँ पर रखा है डेविडसन स्नैच को, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्लेयर साबित हो सकते हैं आपको इस मैच में। एंड गोलकी की बात करें तो फ्रेंड, मैंने इस मैच में रखा है टॉटनहम के, जो कि मुझे लगता है कि इस मैच में गोल पड़ने के चांस कम है टॉटनहम की टीम को, पीएसबी टीम को ज़्यादा चांस है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पीएसबी का रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर जॉइट को रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लॉरिस के साथ जा रहा हूँ फ्रेंड, जो कि मुझे लगता है कि लॉरिस इस मैच में काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको साबित हो सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर कि
टोटनहम की टीम यहाँ पर गोल मार दे और यहाँ पर पीएसवी की टीम कोई गोल ना मारे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लीन शीट का भी पॉइंट डिफेंडर या आपके गोलकीपर को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने लमेला को रखा है एज ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर रखा है हैरी केन को। तो फ्रेंड ये टीम रहेगी मेरी यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कि बेस्ट, आप चाहो तो यहाँ पर एरिक्सन को भी रख सकते हैं कैप्टन एंड आप चाहो तो यहाँ पर मिनसन को भी रख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्लेयर आपको साबित हो सकता है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। ओके फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक।